सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक फिर से नई वीडियो में। हाँ तो और क्या हाल चाल आप सभी के, उम्मीद है काफी बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद गाइस मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप लोग यार बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले हो। सही बात, क्योंकि भाई देखो अपडेट काफी खतरनाक निकल कर आया है। तो आपको पता होगा कि भाई देखो बहुत टाइम पहले अपने गेम के अंदर रीजनल बैटल करके इवेंट आता था। यही नहीं, अभी और सुनिए, तो काफी इंतजार के बाद गाइस देखो आप सभी को फिर से रीजनल बैटल इवेंट अपने गेम के अंदर बैक देखने मिलने वाला है। और इस बार कुछ रिवॉर्ड भी आप लोगों को बहुत तगड़ा दिया जाएगा। सो भाई इवेंट कब आएगा एंड क्या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा पूरा कंफर्म करूंगा वीडियो में। एंड गाइस देखो बात करने वाले आज के इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। एंड साथ ही साथ में गाइस देखो आपको पता है कि भाई गेम के अंदर ऑलरेडी बहुत टाइम से कुछ भी नया मैप वैप आया नहीं है। सो भाई आप लोगों को बहुत जल्दी में अपने गेम के अंदर OB34 अपडेट के बाद एक नया मैप देखने मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ तो गाइस मैप देखने में कैसा होने वाला है और मैप का नाम क्या दिया गया है पूरा बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और तो और गाइस देखो यहाँ पर अपने बरमुंडा रैंक के ऊपर यार बहुत बड़ा चेंजमेंट होने वाला है गाइस। अब से आप लोग को जब भी हीरो एक जाओगे या फिर आप लोग जैसे मास्टर लीग जाओगे आप लोग को बिल्कुल फ्री में इमोट मिलने वाला है। और खास बात तो ये कि गाइस देखो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बरमुंडा में नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप लोग सीएस रैंक भी करते हो हीरो एक मास्टर लीग तब भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में इमोट मिलने वाला है नेक्स्ट OB34 अपडेट के बाद। सो अपडेट तो काफी खतरनाक देने वाला हूं। और भाई देखो वीडियो में अभी थोड़ा सा रीच कम आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, जिसके लिए भाई देखो अभी आप लोग को दबा के शेयर करना वीडियो को ताकि थोड़ा सा रीच वगैरह मिल पाए। अपने दोस्त में वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हाँ याद से लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो चलो गाइस फाइनली वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले गेम के अंदर फर्स्ट अपडेट के बारे में। सो यहां पर गाइस देखो OB34 अपडेट के बाद जब भी आप लोग हीरो एक जाओगे मास्टर ले जाओगे चाहे वो सीएस रैंक हो या फिर बरमुंडा रैंक हो कुछ भी हो। सो नेक्स्ट गाइस OB34 अपडेट के बाद आप लोग को बिल्कुल फ्री में एक एक करके इमोट मिलेंगे। अब भाई देखो बरमुंडा रैंक पे आप लोग एक इमोट मिलेंगे एंड बरमुंडा मास्टर लीग पे आप लोग को और एक इमोट मिलेंगे। अब गाइस देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑलरेडी अपने गेम के अंदर एक सेल्फी इमोट बहुत पहले से अवेलेबल है जो कि अपने रैंक टोकन पर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो इसी वाले सेल्फी इमोट के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाएगा नेक्स्ट से एंड आप लोग को यही वाले सेल्फी इमोट को अवेलेबल करा दे जा सकता है। भाई देखो ये कोई कंफर्म आपको मैं नहीं बता रहा हूं। गाइस देखो यहां पर लीक मिला है कि आप लोगों को बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप लोगों को फ्री में इमोट तो मिलेंगे। अब देखो यहां पर आप लोगों को फ्री में एक नया इमोट भी मिल सकता है और आप लोगों को सेल्फी इमोट के अंदर कुछ चेंजमेंट भी कर दिया जा सकता है। इन दोनों के अंदर गाइस देखो कुछ भी हो सकता है, बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या होने पर बढ़िया लगेगा, नया इमोट मिलेगा तो बढ़िया होगा या फिर अगर आप लोग को सेल्फी इमोट के अंदर कुछ चेंजमेंट मिलेगा तो बढ़िया होने वाला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो गाइस आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम वेट करो, मतलब कि एक दिन या फिर दो दिन, इसके बाद इसके ऊपर पूरा कंफर्म अपडेट आ जाएगा एंड जैसे ही कंफर्म अपडेट आता है आप लोगों को मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूं अगला एपिसोड। तो नेक्स्ट में गाइस यहां पर अपडेट निकल कर आते हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। वैसे देखो अपने इंडिया सर्वर के अंदर आप लोगों को शायद इस बार इनक्यूबेटर देखने में नहीं मिलने वाला है, मतलब कि OB34 अपडेट के बाद आप लोगों को बिल्कुल नया इनक्यूबेटर देखने में मिलेंगे। इसका वजह यह है कि भाई आप लोग जाना गेम के अंदर एंड जाके इनक्यूबेटर का डेट को चेक कर लेना, आप लोग को पूरा OB34 अपडेट तक ही देखने में मिलेंगे, मतलब कि लगभग यार 25 मई तक आप लोग को देखने में मिलेंगे। और आपको बता दूंगा इस बार जो आप लोग को OB34 का अपडेट आने वाला अपने गेम के अंदर मेंटेनेंस ब्रेक आप लोग को लगभग यार 25 से 26 मई को देखने मिलने वाला है। हाँ एक दो दिन आगे पीछे हो सका है, जिसके लिए देखो ये जो इनक्यूबेटर आप लोग देख पा रहे हो बंडल का ये वाला बंडल इनक्यूबेटर गाइस आप लोगों को अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने में नहीं मिलने वाला है। ये गाइस दूसरे सर्वर के लिए, मतलब कि बांग्लादेश नेपाल सिंगापुर गाइस बाकी जितने भी सर्वर है उन सर्वर के लिए होने वाला है। एंड सही बोलो तो गाइस देखो ये वाला बंडल का इनक्यूबेटर आप सभी को कभी भी अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने में नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज देखो अपने इंडिया सर्वर के लिए गाइस जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है वो होने वाला है ऑग का गन स्किन। तो जिसके लिए गाइस देखो लगभग यार 90% चांस है कि भाई अभी आप लोग को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाला बंडल देखने में नहीं मिलने वाला है। अगर कराना चाहता है तो भाई अवेलेबल करा सकता है, बाकी यार देखो लगभग जितना मेरे पास कंफर्म हुआ है कि भाई आप लोग को ऑग का इनक्यूबेटर देखने में मिलेंगे एंड यहां पर देखो ऑग का स्किन वगैरह भी निकल कर आ गया है। बाकी तो गाइस आप लोग यहां पर ऑग गन स्किन देख पा रहे हो, भाई देखो यही वाला ऑग गन स्किन आप सभी को नेक्स्ट अपने इनक्यूबेटर के अंदर देखने मिलने वाला है। और भाई देखो जब इनक्यूबेटर पे बातचीत चल रहा है तो आपको बता के रख दूं गाइस कुछ दिन के अंदर आप सभी को अपने पैराफल गन के अंदर 50% ऑफ देखने मिलेंगे अपने इनक्यूबेटर सेक्शन में। तो जिनको भी पैराफल गन के अंदर स्पिन वगैरह करना है आप लोग तैयार वगैरह हो जाओ। बेसिकली गाइस देखा जाए तो भाई देखो इसके ऊपर अभी तक कुछ डेट वगैरह तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भाई आप लोग को लगभग 3 या फिर 4 दिन के अंदर देखने मिलने वाला है। तो यहां पर गाइस देखो नेक्स्ट में अपडेट में आगे बात करने से पहले आपको कहा था कि भाई आप लोग को बहुत जल्द में नया टोकन डार इवेंट अपने गेम अंदर देखने मिलने वाला है जो कि अपने रमजान स्पेशल थीम पर रहेगा। और आपको मैंने ये भी कंफर्म किया था कि भाई देखो रमजान इवेंट एंड होने से पहले आप लोगों को ये वाला टोकन डार इवेंट देखने में मिल जाएंगे। सो फाइनली गाइस देखो ये वाला टोकन डार इवेंट अपने गेम के अंदर आ गया है और मेरे पास लगभग यार 1400 डायमंड है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। नहीं असल में स्किन ब्लैक है ना, इसलिए आप लोग को और 200 नजर नहीं आ रहा है। वैसे देखो मेरे पास ये तो 1400 डायमंड। अब भैया देखो राज की बात को पता है, अगर आप लोग इतना डायमंड से भी स्पिन वगैरह करोगे ना तब भी आप लोग को ये वाला गन स्किन नहीं निकलने वाला। आप लोग सोचो कि मसाला 3 स्टोन तो निकल जाएगा आराम से, तो भैया देखो इस चक्कर में मत पड़ा करो, लगभग 1500 या फिर 2000 डायमंड लग जाएगा फिर भी आप लोग को गन स्किन नहीं मिलेंगे। देखो गरना इस बार कुछ दूसरे तरीके से लूट रहा है, मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि 3 टोकन आप लोग आसानी से निकाल लोगे तो भाई देखो निकलेगा तो नहीं, पहली बात है लगभग यार 2000 डायमंड तो लगेगा ही। आप लोग लालच में स्पिन करते रहोगे फिर आप लोग को मिलेगा नहीं, तो भाई देखो स्पिन वगैरह मत
कराना तो ही बेहतर है, और हाँ बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। सो फिलहाल गाइस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। भाई देखो सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर अपडेट निकल कर आ गया जो कि गरना ऑफिशियल तरीके से कंफर्म भी कर दिया। भाई देखो आपको बता दूं एक न्यू मैप आप लोगों को देखने में मिलने वाला है। सो बाकी गाइस आप लोग यहाँ पर मैप वगैरह देख लो, भाई देखो मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर फिलहाल की बात करें मैप का नाम क्या दिया गया, तो भाई देखो फिलहाल के टाइम पे मैप का नाम दिया गया है कोलीसियम। गाइस देखो सही बोलो तो भाई आगे जाके आप लोग को मैप का नाम कुछ दूसरा भी देखने में मिल सकता है, मतलब कि चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी यार ओबी अपडेट आने में बहुत दिन बाकी है। एंड एडवांस सर्वर तो फाइनली ओपन भी हो गया, जिसके लिए गाइस देखो यहाँ पर हो सकता है आप लोग को एक दो दिन के अंदर इसके ऊपर कुछ और दूसरा नाम आप लोग को देखने में मिलेंगे। बाकी यार अगर नेम वगैरह कुछ भी चेंजमेंट होता है सब लोग को मैं कवर तो नेक्स्ट वीडियो पर जरूर कर दूंगा। यहाँ पर गाइस देखो अपने ओबी 34 अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर आप लोग को तीन तीन नया गुलवाल देखने में मिलने वाला है। बेसिकली देखो गुलवाल का लुक वगैरह अभी तक आया नहीं है, लेकिन भाई देखो नाम आ गया है गुलवाल की, भाई कौन से नेम पर यहाँ पर आप लोग को गुलवाल देखने में मिलने वाला है। तो फर्स्ट गुलवाल गाइस यहाँ पर जो नाम से आने वाला है वो होने वाला है टॉर्न एंजल, एंड गाइस दूसरे यहाँ पर होने वाला है गुलवाल फाइटर 8, एंड तीसरा गाइस यहाँ पर होने वाला है ग्रे एम्बुस। बाकी देखो गाइस ये जो ग्रे एम्बुस आप लोग गाइस सोच रहे हो, ये वाला ग्रे एम्बुस गुलवाल आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है अपने रैंक टोकन रिवॉर्ड पर। जी हाँ गाइस इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले एक या फिर दो दिन के अंदर, उसके अंदर आप लोग मैं पूरा कंफर्म करने वाला हूँ कि भाई गुलवाल देखने में कैसा होगा और भाई गुलवाल आप लोग को कितना रैंक टोकन पर मिलेंगे और कब अपने गेम के अंदर आएगा, पूरा आप लोग मैं किसी एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो जब रैंक टोकन की यहाँ पर बातचीत चल रहा है तो भाई देखो आपको बता दूं गाइस यहाँ पर बरमुंडा रैंक के ऊपर आप लोग जैसे मतलब गोल्ड पे चले जाओगे, गोल्ड 3 या फिर गोल्ड 4 पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, गन स्किन मिलता है बेसिकली। तो इस बार गाइस देखो आप लोग अपने बरमुंडा रैंक पे एक नया M500 का स्किन भी मिलने वाला है। बाकी देखो अभी तक स्किन देखने में कैसा कुछ होगा अभी तक तो निकल कर आया नहीं है, लेकिन लीक के अकॉर्डिंग गाइस इतना पता चल गया कि भाई आप लोग को जो M500 का गन स्किन मिलने वाला है अपने एंटोनियो कैरेक्टर या फिर अपने जोसेफ कैरेक्टर, इन दोनों में किसी एक ऊपर बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर कैसे बरमुंडा रैंक का बातचीत चल रही है तो भाई क्यों ना आप लोग को मैं क्लास स्कोर रैंक भी थोड़ा सा रिवॉर्ड वगैरह कंफर्म कर दूं। सो नेक्स्ट गाइस सीएस रैंक का यहाँ पर रिवॉर्ड होने वाला है M14 का एक गोल्डन स्किन। और हाँ गाइस देखो इसके अंदर इतना कुछ खतरनाक एट्रीब्यूट तो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, हर बार की तरह गाइस आप लोगों को सिंगल मैगजीन या फिर सिंगल रेंज ही देखने में मिलने वाला इस वाले गन के अंदर। बाकी यार देखो यही वाला रिवॉर्ड आप लोगों को मिलने वाला अपने सीएस रैंक पे। तो फिलहाल यहाँ पर वीडियो में आगे बात कर लेते हैं एंड बात करते हैं अपने रीजनल बैटल इवेंट के बारे में। भाई देखो बहुत टाइम हो गया अपने गेम के अंदर रीजनल बैटल इवेंट बैक आया नहीं है, और खास बात तो यह कि गाइस देखो इवेंट के अंदर आप सभी को बहुत सारे खतरनाक आइटम यार हर बार मिलता है बिल्कुल फ्री में। एंड गाइस देखो कुछ मिशन को कंप्लीट करने के बदले में गाइस आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री में परमानेंट फ्री आइटम्स को ले सकते हो, जो कि काफी एक बढ़िया बढ़िया आइटम होता है। एंड आप लोगों को 30 दिन लॉगिन करने के बदले में गाइस कभी कभार आप लोगों को गुलवाल मिलता है, टाइटेनियम स्कार मिलता है, और भाई बहुत सारे खतरनाक गन स्किन भी आप लोगों को मिलता है 30 दिन के लिए, लेकिन देखो अदर आइटम तो आप लोगों को परमानेंट ही मिलता है। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज गाइस आप लोगों को मैं देने वाला हूं, भाई देखो आप लोगों को फिर से रीजनल बैटल इवेंट अपने गेम के अंदर बैक देखने में मिलेंगे। अब भाई देखो डेट वगैरह तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है कि भाई देखो अभी फ्री फायर क्या कर रहा है, फ्री फायर के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको मैक्स में ट्रांसफर कर रहा है, और धीरे धीरे फ्री फायर ये चाहता है कि भाई देखो फिलहाल ओबी 34 अपडेट तक कुछ भी आप लोगों को डायमंड का इतना बड़ा सारा इवेंट देखने में नहीं मिलेंगे, हालांकि छोटा मोटा एक दो इवेंट तो देखने में मिलेंगे बस गेम को चलाने के लिए। लेकिन गाइस देखो ज्यादातर इवेंट आप सभी को फ्री का देखने मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे खतरनाक फ्री रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ताकि भाई गेम को चलाने के लिए फ्री आइटम भी आए एंड कुछ डायमंड का भी आइटम भी दिया जाए। सो जिसके लिए गाइस देखो ऐसा लीक वगैरह मिला है कि आप सभी को फिर से अपने गेम के अंदर रीजनल बैटल सीजन 8 देखने में मिलने वाला है, बेसिकली सीजन 8 देखने में नहीं मिला था तो इस बार आप लोगों को सीजन 8 देखने में मिलेंगे। और हां गाइस देखो फिलहाल का टाइम पे इसके ऊपर अभी तक कुछ डेट वगैरह तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भाई कुछ दिन के अंदर इसके ऊपर भी डेट वगैरह कंफर्म होने वाला है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग आने वाले कुछ दिन के अंदर गेम के अंदर डायरेक्टली इवेंट देखने में मिल जाए। तो भाई देखो आगे का कुछ भी कंफर्म होता है आप लोगों का मैं कवर नेक्स्ट वीडियो पर जरूर करने वाला हूं। सो मेरा वीडियो आज के तक था, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप लोग को हर दिन मेरे चैनल पर देखने में मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट जरूर कर देना।